लगता है देवर जी को बहुत मजा आ रहा है अपनी धर्म पत्नी का हाथ पकड़ के रखने में। हाँ चांद और चांदनी जैसी जोड़ी है दोनों की। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी अगले 7 जन्म तक इसी तरह बनी रहे। नाचने का बहुत शौक है ना तुमको? अरे हिजड़ों के साथ नाचने बहुत मजा आ रहा था ना? उनकी दुआओं में बहुत ही असर होते हैं। हम तो अपने और आपके रिश्ते की खुशहाली के लिए। की खुशहाली के लिए? अच्छा तो ठीक है। पहनो और हमें शौक के लिए नाचो। चलो मैं देख का रही हो पहनो नाचना शुरू करो। हर सांस यहां पे गिरवी है ये रस्म है कैसी जीने की। तुम तो पति का खुशहाली चाहती हो ना, तो पति का पसंद का भी ख्याल करो। इसको पहनो और नाचना शुरू करो। होगा ना जाने कितनी सदियों बिट्टो। बंजर बंजर सी आंखों से आंसू भी नहीं गिर पाते। रोज यू रोंदे जाने पे आहे भी नहीं भर पाते। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ना पति के लिए इतना सा काम नहीं कर सकते तुम। क्या फायदा तुम्हारा यहाँ रहने का?
तेरे लिए कह रहे हैं, सिर्फ 15 दिन बाकी है और 15 दिन के भीतर भीतर हमारा घर छोड़कर चली जाओ, नहीं तो 15 दिन में तुम्हें जिंदगी का 15 नरक भोगना पड़ेगा। कमरा में जगह नहीं बना पा, तुम हमारी ये कभी नहीं बन सकती, तुम हम पर लात नहीं गई हो। हमारे ऊपर ना कोई हुक ना कोई बंधन, हमको बंधन में रहने का आदत नहीं है। जी के आने से पहला सारा हिसाब किताब बराबर हो जाना चाहिए। काहे कि एक बार उन्हें बही खाते से संतुष्टि मिल गई ना, तो फिर वो बहुत जल्दी यहां से चली जाएगी। जी बाबूजी, चिट्ठी आया तहसील से, लिखा है इलेक्शन से पहले तहसील के सारे प्रधानों का एक मीटिंग रखा गया है बनारस में, आपको भी बुलाया गया। यहाँ जाना तो बहुत ही जरूरी है, आखिर हमारी दिल्ली की कुर्सी तक का रास्ता भी तो साफ करना है। रुद्र, तुम हमारे बराना जाने की तैयारी करो। ठीक है बाबूजी। जाने सवेरे सवेरे कहां चली गई, अगर किसी ने ना मांग में सिंदूर भरे रंगीन कपड़ा पहने गांव में देख लिया तो समाज ले गजबई हो जाएगा। रजो, अरे काहे हमारी जान लेने पर तुली, कहां चली गई थी तू, मना किया था ना बेटी। हरिलाल, हरिलाल, ये घोर अनर्थ है, एक विधवा गांव में स्वागन कैसे रह सका थे। सर चलो अपनी बेटी को हरिलाल, ना ही तो बिरादरी में रहने नहीं देंगे हम लोग, ना तो है और ना तुम्हारी इस मुझ और बेटी को।
का बात करत हो चाचा? बताओ ना, कौन सा बिरादरी? वो बिरादरी का बात करत हो जेके सामने चंपा की लाश पर से उबड़का लोगन ने चौड़ा करवा दिया था? ए, ए, रजो, का बोला था तू? हमको परवाह नहीं है कौनो बिरादरी का। हमका ई बिरादरी ने सुहागन का दर्जा नहीं दिया है तो एक एक कहने पर हम विधवा का जिंदगी भी नहीं जियेंगे। तो हरिलाल अब सोच लो तुम, अगर तुहे तो गांव से निकाल दिया जात है तो ई की जिम्मेदार तुम्हारी ये बेटी होगी। संभाल लो अपनी बेटी को हरिलाल, वरना भुगतना तुम्ही को पड़ेगा, समझे? चलो। सब कुछ देखते रहना, ठीक है? और जमीन और बही खाते का हिसाब दुरुस्त करवा लेना याद से। जी बाबूजी, आप यहाँ का चिंता ना करें, हम हैं यहाँ पर। श्रीमती जी जरा तिजोरी का चाबी दीजिए, बाहर गांव जा रहे हैं, पास में पैसा होना चाहिए ना। अरे हम आपसे तिजोरी का चाबी मांग रहे हैं, यहाँ हुआ का देख रहे हैं आप? वही याद नहीं आ रहा कहाँ रखा गया है। अपना दिमाग एक जगह पे स्थिर रखेंगे तभी तो याद रहेगा ना कि कहाँ रखे थे चाबी। ठाकुर साहब, ये रहा तिजोरी का चाबी, तिजोरी में ही लगा हुआ था, हम देखे तो निकाल लिया राम भरोसे। ये संभाल रही हैं आप जिम्मेदारी? अभी हम घर में हैं तो इतना लापरवाही, अरे अगर तीन चार दिन के लिए यहां से चले गए तो क्या करेंगे आप? आओ ये चाबी रखो अपने पास और जरा जाके देखो तिजोरी में सब ठीक है कि नहीं। परेशान हो गए हम इन सब हरकतों से। देखिए ना, हमारा खानदानी हाथ तो तिजोरी में है ही ना, ये क्या अनर्थ हो रहा है? का? हमारा खानदानी हाथ चोरी हो गया? ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। फेंकना, अरे फेंकना! गांव में किसी का इतना हिम्मत नहीं कि हमारे घर की तरफ आग उठाकर भी देखे, फिर वो हार चोरी कैसा हुआ? ये काम घर के ही लोग का है। जी मालिक। रात वाला बात हम इनको अभी तक नहीं बता सके हैं। इनसे सब कुछ कह देना चाहिए। कहा जाने कौन था जो हार चुरा के भागा है। पूरे घर का तलाशी कर, सबके कमरे का तलाशी कर, जिसके भी कमरे से वो हार मिले या ऐसा कोई सबूत मिले उसे अभी इसी पका की घर छोड़ के जाना होगा। चल जा।
घर में चोर बर्दाश्त नहीं हमका। सूर्य प्रताप सिंह इतना ही बर्दाश्त कर सकता है। लागत है बाबूजी रात वाला हार के बारे में बात कर रहे थे। हम जाके उन्हीं को सब बताते थे। सबूत मिले। इसे अभी इसी पकड़ कर छोड़ के जाना।